क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टेस्टिक्स पर जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ एवरी hey एवरीवन कैसे हैं आप सभी स्वागत करता हूं आप सभी का मिंटर थर्टी के आपके अपने इस चैनल पर और आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अब आज कोशिश करके ये हेडसेट दोबारा लगाया है यहाँ इससे थोड़ा सा पेन की समस्या है लेकिन कोई बात नहीं आई होप ऑडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर अगर आवाज आप तक ठीक तरीके से पहुँच पा रही है तो एक बार मुझे कमेंट में बताइए यस yes, यहां से तो हमने चेक कर लिया है क्लियर है आई होप आप तक भी सारी चीजें ठीक तरीके से पहुंच पा रही होंगी चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं यह तो कुछ जरूरी बातें सी टेट का आपका गारंटी बैच नाइन्टी नाइन रुपीज अपने जूनियर्स को और जिन साथियों का सीट अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उनको जरूर बताइए इवेंटर्स थर्टी पे मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट जेनुअन सी का गारंटी बैच चल रहा है सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ में जिसके अंदर पास होने की गारंटी है इसी के साथ किरण पब्लिकेशंस के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सी के अंदर किसी भी तरीके से हम इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते जिसके कारण हमारे सिलेक्शन में या फिर हमारे उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत हो तो इस बार किरण पब्लिकेशंस के साथ हमारी कोलेब्रेशन रही चली है और इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में सॉल्व किया गया है तो इससे संबंधित लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगी वहाँ से आप इन लिंक्स पर जा करके इन किताबों को देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या एमेज़न पे इन किरण पब्लिकेशंस करके जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करके अपना बेस्ट सिलेक्शन ले सकते हैं अभी आज फिफ्थ सेप्टेम्बर है आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं टीचर एक तरीके से कोई देश बनता है तो वहाँ पे अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण कोई देश बनता है लेकिन उस देश को बनाने में कुछ लोगों का एक अभूतपूर्व योगदान होता है और उस योगदान में एक शिक्षक का योगदान सर्व सर्वोपरि होता है सबसे बड़ा होता है और वो काम आप कर रहे हैं ऐसे में मैं पूरी शिक्षक कायनात को नमन करता हूं और आपके सम्मान में बस यही कहना चाहूँगा कि आप हैं तो ये जग है आप हैं तो ये आविष्कार है आप हैं तो इलाज है चिकित्सा है आप हैं तो योग है आप हैं तो बल है आप हैं तो शक्ति है आप हैं तो सब कुछ है आप ही इस सृष्टि के निर्माता कह सकते हैं कि ब्रह्म के बाद इस सृष्टि के अगले निर्माता आप ही हैं अगर आप ना हो तो ये सृष्टि थम जाएगी खत्म हो जाएगी और किसी भी तरह की सभ्यता यहाँ पर नहीं रहेगी ना तो कोई भूत रहेगा ना ही कोई वर्तमान रहेगा और ना ही कोई उज्जवल भविष्य रहेगा तो इसी कड़ी में मेंटल स्टैटिस्टिक्स तो हमेशा से आपके साथ चल ही रहा है लेकिन एक कोलैबोरेशन और हमारी हुई है विद आई एफ एस इनसे हमारी बातचीत हुई और ये कुछ ऐसे कोर्सेस जैसे कि सी यू ई टी एन से रिलेटेड जो यू जी नेट के एग्ज़ाम्स नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं और एन संबंधित जो एग्ज़ामिशन्स होते हैं उसको लेकर के इनका ये प्रोग्राम है और इसको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे इन्होंने लॉन्च किया है ये लोग वेबसाइट पे पर मोबाइल एप्लीकेशन चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो हर जगह ये अवेलेबल है और हर तरीके से इनकी कोशिश यही है कि अफोर्डेबल प्राइसिस में कैंडिडेट को सही जानकारी और सही शिक्षा मिले इसके लिए इन्होंने पाँच से सात सितंबर के बीच में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां पर आप टीचर्स डे के अंतर्गत ही आप सभी के लिए चीजों के ऊपर काफी भारी छूट दी है जिसके अंदर वन जैसे वन प्लस वन ऑफर दिया हुआ है और उसके साथ साथ कोर्सेज अगर हम बात करें जैसे कि यू जी सी नेट है तो क्रैश कोर्स हो गया कॉम्बो कोर्स हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए लगभग ये सारी चीज़ों का सेट आपको मिलेगा और बहुत सारी जानकारी जो है वो आप वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं संबंधित जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी हैं और उसके साथ साथ ये जो वन प्लस वन या फिर आप वेबसाइट पर देखेंगे वहाँ पर आपको डाउट्स देखने को मिलेंगे उन डाउट्स को यदि आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कराना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म डाला हुआ है उस इंक्वायरी फॉर्म को आप भरिए जो भी आपकी समस्या है आप उसमें भरिए आपको कॉल आएगा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपकी मदद की जाएगी कि आपकी पढ़ाई के लिए कौन सा कोर्स जो है इस समय सूटेबल हो सकता है चलिए बढ़ते हैं आगे डी ट्रिप्लेसमी पी आर टी रिफ्लेक्ट बैच के बारे में आप सभी जानते ही हैं और इसमें काफी बढ़ चढ़ कर आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इसी में हर तरीके से आप काफ़ी क्वेरीज आती हैं कुछ लोग कहते हैं कि पार्ट टू हम लोग प्लान तो कर रहे हैं कि सिर्फ पार्ट टू के लिए काम करें लेकिन मुझे नहीं लगता कि डी ट्र बी के लिए इस समय पार्ट सिर्फ पार्ट टू का कोर्स करके कोई फायदा है क्योंकि अगर हम सिर्फ पार्ट टू भी लॉन्च करेंगे तो उसकी फीस इतनी ही रहेगी क्योंकि उस आपके डी ट्रा प्लस बी के एग्जाम में पार्ट टू ही तो मेन है और उसी से संबंधित सबसे ज्यादा लेक्चर्स हैं हमारी जो क्लासेस होती है हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हैं एक क्लास से आपको अछूता कर दे और एक क्लास आपको दे ऐसा हम नहीं कर सकते इसलिए कंप्रीहेंसिव प्लान्स के अंतर्गत ही आपको पूरा कंप्लीट चीज दी जाएगी वैसे तो अगर आप एसएससी या किसी दूसरे एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो पार्ट वन आपका काफी मजबूत होता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको क्लास की जरूरत नहीं है खासकर तब जब आप कोई कोर्स आपने ले रखा है तो तो ऐसे में मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि ये सिर्फ पार्ट टू के चक्कर में ना पढ़े कंप्लीट लें अच्छे से मेहनत करें हो सकता है कि कुछ चीजें आपको बहुत बेहतर आस वी आर बैक जरूरत ना भी पढ़े तब भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़िए इसके लिए आपको मेंटल थर्टी एप्लीकेशन पर जाना चाहिए और डी एस बी पी आर टी रिफ्लेक्ट बैच में जुड़ जाना चाहिए एक क्वेश्चन आया कि सर कौन से कोर्स को लेना है तो आपको इस तरह का एक इमेज मिलेगा इस तरह ये वाला जो कोर्स है सिर्फ यही लेना है इस कोर्स का नाम है डी एस बी पी आर टी रिफ्लेक्ट बैच न्यू इसको लेना है बस और कुछ नहीं अब सभी साथी आ गए होंगे मुझे लगता है अब अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी चाहिए आई आई होप एवरीथिंग इज क्लियर तो लेट स्टार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन मजबूती से काम करेंगे आज हम पेपर टू को सॉल्व कर रहे हैं और सैटरडे को जो हमने पेपर की एनालिसिस करी थी मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उस एनालिसिस को अच्छे से देखा होगा समझा होगा और उस बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी चीजों को जोड़ रहे होंगे वैकेंसीज की अपडेट भी मैं आप सभी को दे रहा हूँ तो कुछ साथियों को वो अपडेट लग रहा है कि क्यों अपडेट दे रहे हैं और या फिर क्यों सभी लोगों को बता रहे हैं कि वे वैकेंसी आने वाली है तो पढ़ाई चालू करो कुछ लोगों का कहना है कि एकदम बताओ ही मत कुछ करो ही मत लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी तरह की आस के फिलहाल जो है उत्सुक हैं और सही इंफॉर्मेशन के उत्सुक है मेटर स्टेटिस्टिक्स पर होने के नाते हर तरीके से आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाती है तो जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना एक बार जो यहाँ पे बात हो गई वो सही ही होगी कभी कभी गलती होगी तो उसको तुरंत रेक्टिफाई भी कर लिया जाएगा पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर है Paul में आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोनों तरीके से आपको आंसर करना है अपनी बातों को आपको नीचे रखना है नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड पॉल इज ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन देखिए और उसका जवाब कीजिए क्वेश्चन है एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मिक्सचर ऑफ पर्यावरण अध्ययन किन किन चीजों का मिश्रण है ट्रेडिशनल साइंस सोशल वैल्यू या एनवायरमेंटल अवेयरनेस बताइए ऑब्वियस सी बात है तीनों चीजों के सम्मेलन से एनवायरमेंटल स्टडीज बनता है हैर ईवीएस के अंदर जब हम एन बेस्ड पढ़ते हैं तो इसके अंदर तीन चीजों का सम्मेलन होता है साइंस है सोशल साइंस है सोशल स्टडीज है और फिर एनवायरमेंटल साइंस है ये तीन चीजें जुड़ करके जो है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज बनता है एज पर एन लेकिन कंपोनेंट की अगर हम बात करें अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये तीनों ही कंपोनेंट इसमें इंक्लूडेड हैं सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे यहां पर मैं देख रहा हूँ इक्यानवे प्रतिशत साथियों ने सही जवाब दिया है ग्रेट ब्राइटनेस uh, बहुत लो है ब्राइटनेस इसीलिए लो है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ठीक है उस ब्राइटनेस की वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी लेकिन अगर मैंने ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दी वेरी बहुत बढ़िया कि आप इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेकिन अगर ब्राइटनेस बढ़ा दी तो आ, मेरा और आपके संपर्क में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं चलिए प्रश्न नंबर दो के लिए पॉल अब आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप ऑफ हिंदी डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी विवरण युगम सही है ऑप्शन है आपके पास पहला खड़ी बोली ये हमारा जो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है उसका क्वेश्चन है उसके अंदर हिंदी की जो अलग अलग टाइप है ब्रिज हो गई हिंदी हो गई हिंदी की जो खड़ी हो गई उसके अलग अलग टाइप्स हैं वहाँ से क्वेश्चन है, है पांच सौ तीन ब्लॉक एक खड़ी बोली दिस फॉर्म ऑफ हिंदी इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड हिंदी टूडे खड़ी बोली जो है हिंदी की हिंदी के रूप में आज इसको मानक हिंदी माना जाता है जो कि बिल्कुल सही है जो कि मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ इसको खड़ी आ, हिंदी बोलते हैं हिंदुस्तानी जो है बोथ हिंदी एंड उर्दू आर द पार्ट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ हिंदी जो हिंदुस्तानी भाषा है बोली जो है उसके अंदर हिंदी और उर्दू दोनों के शब्दों को लिया जाता है दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न आईसीटी से अभी कुछ दिन पहले बेसिक्स ऑफ चीजें करी थी पॉल भी अब आपकी स्क्रीन पर नेम द डिवाइस दैट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन करता है चार चीजें हैं एएलू आर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट टीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी यू कंट्रोल यूनिट और ये है कैश तो कैश के बारे में तो आपको पता है ये सेव्ड डाटा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में सेव होता है कि जब हम किसी वेबसाइट को लॉग इन करते हैं इससे क्या होता है कि वो चीज़ हमारे मोबाइल के अंदर तेज़ी से लोड होती है जो डिफाल्ट चीज़ें होती है वो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में सेव हो जाती है ताकि जब हम उस वेबसाइट को दोबारा ओपन करें तो कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट खुले खैर इसका संबंध तो इससे है नहीं यहां पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करती है इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट का काम आपको पता है जो सीपीयू होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है सी यू प्लस ए एल यू ए एल यू होता है आर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि लॉजिक मैथमेटिकल सारे ऑपरेशन करता है और सी यू होता है कंट्रोल जो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है इन दोनों को मिला करके बनता है सी पी यू जो कि डेटा को रिसीव करता है इंटरप्रेट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है सो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और यहां पे मैं देख पा रहा हूं सेवेंटी थ्री प्रतिशत साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न संबंधित पॉल अब आपकी स्क्रीन पर वेन चिल्ड्रेन डू लिसन एंड आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दे आर जब बच्चे सुने और पहचाने जैसी गतिविधियां कर रहे होते हैं लिसन एंड Identify, सुनो और पहचानो इस तरह का जब काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या बुनियादी कौशल, कौशल yes, yes, चल रही है बात बिल्कुल सही है डेवलपिंग देयर वैकबर वोकैबलरी उनकी शब्दावली का विकास होता है हम जानते हैं कि हमारे लैंग्वेज स्किल्स के अंदर एल एस आर डब्ल्यू होता है लिसनिंग सबसे पहले होता है इट मीनस जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट और अटेंटिव लिसनिंग होगी उतना ही बेहतर जो है हमारी बाकी लैंग्वेज जो हमारा जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट होगा तो जब लिसनिंग, लिसन एंड आइडेंटिफाई वाली बात चल रही है तो वो कैबलरी भी डेवलप हो रहा है और हमारी लिसनिंग के स्किल भी डेवलप हो रहा है सो बोथ इज एब्सोल्युटली करेक्ट ये स्वीआर ऑन स्क्रीन आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है कोई बात नहीं हम्म चलिए तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए चलिए बढ़ते हैं अब ले अगले क्वेश्चन पर अगले अगले क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है नाउ इट इज ऑन योर स्क्रीन कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है अब आज शायद नेटवर्क इशू है एक बार होता है तो लगातार ही चलता रहता है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर फाइव विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑन अनियंस इज करेक्टली मैच्ड पी, आ, ये देखो पियाजे इसको शायद हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है पियाजे को अनियन बना दिया है पियाजे के हिसाब से क्वेश्चन है पियाजे के संगनात्मक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सही से सुमेलित है आपके ऑप्शन है यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन सेंसरी मोटर यानी के जो संवेदी परक जो अवस्था है इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटी इसमें मोटर गतिविधियां शामिल होती हैं कंक्रीट के अंदर मूवर थिंकिंग होती है यानी कि प्रस्तावक सोच होती है आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्रस्तावक सोच इस प्रश्न का जवाब आया है और 45 फाइव प्रतिशत साथी ने साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है और उनतीस प्रतिशत साथियों ने इसका ऑप्शन नंबर ए चुना है एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ओनली वन यहाँ पर देखो सेंसरी मोटर जब स्टेज की हम बात करते हैं तो ये जीरो से दो वर्ष की है इसके अंदर हमारा जो होता है हमको पता है दो चीज़ें होती हैं एक ऑब्जेक्ट परमानेंस और दूसरा जो मेन होता है वो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन बेसिक मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वह समझता है कि किस तरीके से भोजन कैसे करना है किसी चीज़ को इशारा कैसे करना है वह मुख्यतः ये सारी चीज़ें सीखता है और इसके अंदर जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो होता है बच्चा खड़ा होना सीख जाता है हाथ को मूव करना सीख जाता है फाइन मोटर नहीं लेकिन ग्रॉस मोटर चीज़ें हो जाती हैं तो मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड बच्चा सीखता है हाँ जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है मसल्स मजबूत होती हैं मोटर एक्टिविटीज की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जाती हैं और वो काफी मजबूत होने लगते हैं लेकिन दूसरी तरफ कंक्रीट ऑपरेशनल में जो मूवर थिंकिंग है जो प्रस्तावक सोच है ये कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बताता है जो कि कंक्रीट से जुड़ा हुआ नहीं है कंक्रीट के अंदर लगभग हर तरह की लॉजिकल डेवलपमेंट को ये एक्सेप्ट करता है एब्स्ट्रैक्शन को छोड़ के और एज रिलेटेड जितना भी हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग हम यहां पर फिट करते हैं वो यहाँ पर सेट होता हुआ नजर आता है लेकिन बात यहां पर कंक्रीट और साथ में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की है इसलिए दूसरा पॉइंट कट जाएगा एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न नंबर छह और तीस प्रतिशत साथ ही इस प्रश्न के लिए सही है ग्रेट जूही कुछ कह रही है एंजॉय विद कार्टून सर बाकी सब वही गैस पहले को कर थैंक्स uh, ये क्वेश्चन करवाने के लिए यस ओके थैंक यू एज जूह केवीएस वी पी के लिए प्रैक्टिस का नाम बताइए देखो अभी KBS के लिए किसी तरह के प्रैक्टिस सेट की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास जरूरत है सबसे पहले सिलेबस ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करिए पढ़ाई को थोड़ा मजबूत कीजिए जब प्रैक्टिस सेट की जरूरत होगी तो उसको लीजिए क्योंकि जो अभी हमको सिलेबस का पता नहीं रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज हो सकता है क्या पता सिलेबस में भी कुछ चेंज हो जाए तो अभी क्यों परेशान हो रहे हैं प्रीवियस ईयर कोई सा भी पेपर ले लो उसको करो जब रियल सिलेबस आएगा उसके हिसाब से सेट करेंगे ना सो वाई यूर टेकिंग टेंशन आओ प्रिपेयर द कोर्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट the प्राइमरी स्टेज एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ विच of द फॉलोइंग चिल्ड्रन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम के से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास को बढ़ावा मिलता है टीचिंग ऑफ ईवीएस का क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन है आइए देखते हैं लैंग्वेज टू डिस्क्राइब एंड कम्युनिकेट देयर कमेंट्स एंड आइडियाज उनको टिप्पणी और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है ठीक है यानी कि अगर हम ई पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ई के साथ और कौन कौन सी चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाषा का फ़ायदा तो मिलेगा ही तो क्योंकि ई को बताने के लिए कंसेप्ट को बताने के लिए किसी ना किसी सिंब वर्बल हो यानी कि चाहे वो वर्बल यानी कि स्पोकन हो या रिटर्न हो किसी ना किसी सिम्बॉल सिम्बल का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और जब वो सिम्बल का इस्तेमाल करते हैं तो सिंबल लैंग्वेज को डिनोट करते हैं तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है दूसरा स्किल नीडेड टू बी टू लर्न अबाउट योर एनवाइ एंड फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। हमारा जो ईवीएस तो में स्किल नर्चर होती है और मजबूत होती है तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न नंबर सात और इस प्रश्न के लिए 87 प्रतिशत साथ बिल्कुल सही है ग्रेट सर मल्टीपल एजुकेशन स्टडी प्लीज़ के वी एस सिलेबस के लिए और कैसे कराई प्रिपरेशन करे सेशन लीजिए ओके okay, लेंगे जरूर एक एडिशनल सेशन लेंगे उसके ऊपर काफ़ी uh, पहले वैसे इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है पहले से लेकिन अभी काफ़ी सारे साथी नहीं जुड़े हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हाँ uh, सलोनी आपका भी वही क्वेश्चन है विल डू इट ओके इन्जॉय विद कार्टून कह रहे हैं पिक्सल फट रहे हैं uh, थ कार्ट मैं तो यही कहूंगा कि एक बार आप वीडियो की क्वालिटी को इनक्रीज कीजिए यहां से टेन एटी पिक्सल्स में बिल्कुल स्मूथ स्ट्रीम हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए पॉल आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है आई होप यस क्वेश्चन है आपके लिए विच ऑर द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ आईसीटी फिर से एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ये दूसरा क्वेश्चन आज आया हुआ है टूल्स इन लर्निंग निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में आईसीटी उपकरण का उपयोग नहीं है पहला नहीं है नेगेटिव पॉइंट हमको ढूंढना है क्रिएटिंग द लर्निंग सिचुएशन इन क्लासरूम कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना ये आईसीटी उपकरण का एक उपयोग नहीं है दूसरा कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिसिमिनेटिंग अमंग द पीयर्स जानकारी को एकत्रित करना और साथियों के बीच में प्रचार और प्रसार करना आपको क्या लगता है इसमें कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट द यूज ऑफ आई इसमें से कौन सा आई का एक इस्तेमाल नहीं है हमको ये ढूंढना है तो क्या पहली चीज़ आईसीटी का इस्तेमाल है yes, यस हम टेक्नोलॉजी की सहायता से क्लास में लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं आज के डेट में आपके और मेरे बीच में आईसीटी ही है जो नौ बजे लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके शेयर करने में आप मदद करती है जैसे कि आप सभी अपने अपने घरों में अपनी प्रपरेशन करते हैं मेरे पास कोई जानकारी आती है तो मुझे आप तक पहुँचाना होता है तो थ्रू वीडियो थ्रू मैसेजेस मैं आप तक पहुँचा देता हूँ तो आई की सहायता से ही तो पहुँचा रहा हूँ मैं कोई चिट्ठी तो आपको लिख नहीं रहा तो ऐसे में ये दोनों ही काम आईसीटी के हैं क्वेश्चन ने कहा है हमको वो बिंदु ढूंढ के बताओ जो आईसीटी के काम नहीं है तो ऐसा तो इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए क्योंकि ये नॉट करके नेगेटिव आंसर ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है तो इसको इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट सर ये क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में यस yes, बिल्कुल ये भी 2022 वाला जो है वही हम लोग कर रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर डैश हैज बीन अप्लाइड डेवलपिंग टू द सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग आईसीटी क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है आज के लिए पहले दस पहले क्वेश्चन में डैश को शिक्षण की नई तकनीक को विकसित करने में लागू किया गया है ऑप्शन है एफिशियट कंडीशनिंग ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडिशनिंग इसमें से शिक्षा आईसीटी के अंदर इसमें से किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया आमतौर पर क्लास के दौरान मैंने इसके बारे में कई बार चर्चा करी है द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑपरेशनल कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर बीएफ स्किनर का ये था कि क्या था उसका री एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इसकी सहायता से किसी बिहेवियर को कंडीशन करना यही उन्होंने सिखाया है और इसी के एप्लीकेशन के बेस पे जो प्रोग्राम निकलता है उसको कहते हैं प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शंस यानी कि इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन को पहले से ही प्रोग्राम करके रख दिया जाता है बच्चे उन उस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल में हमने वीडियो गेम्स आपको बताए थे कि कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जिसके अंदर आप किसी भी स्टेज पर खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आपको जाना है लेकिन कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिसके अंदर जब तक आप पहला स्टेज पार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे पे नहीं जा सकते तो इस तरह के प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शन कहते हैं जहां पर बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपने हिसाब से किसी काम को करें और जिस काम को वो कर रहे हैं वो पहले से प्लैंड होता है वो भले ही अपने हिसाब से करें लेकिन चलना उनको उसी के हिसाब से पड़ेगा इसी के फलस्वरूप वहां पर कंडीशनिंग होती है ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज द टेक्नोलॉजी गिवन बाय बीएफ एफ स्किनर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन कुछ कमेंट्स आए हैं सर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कोई 2022 से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएगा पर किसी ने नहीं करवाया पर आपने आ, पर आप अपनी चल रहे हैं थैंक्स सर बहुत हेल्प मिल रही है इतना गुड गुड बस सीखते जाओ डेढ़ महीने एक दो महीने आराम से क्लास को अटेंड करो फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर क्वेश्चन नंबर नाइन आई होप आप अपने रजिस्टर को जरूर मेंटेन कर रहे हैं आप अपने कॉपी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऐसा रेंडमली बस क्लास को देख करके उसको स्किप नहीं कर रहे हैं अच्छे से रजिस्टर मेंटेन कीजिए ये आपको फर्दर मोटिवेशन देगा नेक्स्ट क्लास को लेने का अगर आप अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे रजिस्टर नहीं मेंटेन करेंगे चीज़ों पर रिसर्च नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगले दिन आपको मन करेगी छोड़ो यार आज की क्लास छोड़ देते परसों ले लेंगे लेकिन अगर आप ऐसा सीक्वेंस में चलेंगे तो अपने आप ही एक नई चीज सीखने के लिए आप ऑटोमेटिक इंटरसिकली मोटिवेट हो जाएंगे अगला क्वेश्चन इन विच टूल द स्टूडेंट कैन गेट नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू अ रियल सिचुएशन विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक स्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेते हैं बताइए इस तरह का क्वेश्चन हमने 2019 के पेपर में भी किया था आपके ऑप्शन है सिचुएटिंग टूल कंस्ट्रक्टिव टूल कम्युनिकेटिव टूल इनफॉर्मेटिव टूल सिचुएटिंग रचनात्मक उपकरण संचार उपकरण उपकरण या सूचनात्मक बड़ा ही आसान प्रश्न है इसको लेकर के कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं चाहे वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग्स हो चाहे वो सिमलेटिंग लर्निंग हो या फिर सिचुएटिंग लर्निंग हो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर ये इस तरह का तरीका होता है जहां पर आपको उस तरह की एक स्थिति या तो बना के दे दी जाती है या फिर उसी तरह की एक स्थिति के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है जो स्थिति दी जाती है या तो वो क्या होगी या तो एब्स्ट्रैक्ट होगी रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी ऐसे में आपको या तो इमेजिन करना पड़ेगा या रियल में उसको एक्सपीरियंस करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन और इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा गड़बड़ किया है आप सबने आ, केवल उनतीस प्रतिशत हाथी इस प्रश्न के लिए सही है सर ये क्वेश्चन लिखना है क्या मैं सभी क्वेश्चन नोट कर नहीं 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 एंजॉय विद कार्टून यू आर टेकिंग इट रॉन्ग क्वेश्चन नोट नहीं करना है आई थिंक ये आपकी पहली क्लास है आज जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आ, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना ठीक है बाकी क्लास खत्म होने पे मैं वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूँगा चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना अभी ये आज सेवेंथ क्लास है आज से सात क्लास पहले एक हमने सेशन लिया था सैटरडे को मुझे दिन ठीक से याद नहीं है उसके अंदर मैंने अनाउंस किया था डी ट्रिप्लिस बी पी आई टी की महा तैयारी हो रही है तो वो आधे घंटे का एक सेशन है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से इस सेशन को अटेंड करना है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो क्या करना है रजिस्टर में क्या बनाना है किन चीज़ों पर रिसर्च करनी है कैसे आप इसका बेहतर और सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं तो एक बार उसको देख लेना आज तो अभी क्लास अटेंड करो क्वेश्चन नहीं लिखना है क्वेश्चन नंबर टेन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से है डैश इज द फॉर्मुला ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसमें से कौन सी बात आपको सही नहीं लग रही है इसमें से कौन सी चीज माध्यिका का, का गणना करने का एक सूत्र है माध्यिका आपको पता है स्टेटिस्टिक्स yeah, या टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स आई थिंक ब्लॉक टू या थ्री से क्वेश्चन है एनआईएस तो यहां पर मीडियन निकालने का अपना तरीका होता है मीन मीडियन मोड तीन चीजें हैं क्वेश्चन मीडियन का है यानी कि जो आपकी माध्यिका है उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है इसके अंदर कौन कौन सी बात सही नहीं है पहला है आई इज द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है आई वो होता है एल एम एलम होता है लोअर लिमिट और एफ होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो हमारा मीडियन निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं एक होता है कि भाई हाइयर uh, और लोअर को जोड़ करके दो से डिवाइड करना फिर कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे उसको करना इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जैसे कि अगर हम पहला करते हैं जीरो से लेकर दस दस से लेकर के बीस तो ऑब्वियसली बात है इस चीज़ को हम आई कहते हैं दस के बीच में एफ और आई आई इज द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल ये बात बिल्कुल सही है एल एम लोअर लिमिट होता है ये भी बिल्कुल सही है और एफ होती है फ्रीक्वेंसी ये भी बिल्कुल सही है तीनों ही बातें बिल्कुल सही है क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी चीज सही नहीं है क्योंकि तीनों ही चीज सही है तो यहां पर नहीं सही जैसी तो कोई चीज ही नहीं है तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीदर वन टू और थ्री जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हाँ अभी ये जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने किया ये हमारे पेपर टू के डिसिप्लिन थ्री को हमने कंप्लीट कर लिया है पहला पार्ट आपको याद है फिजिकल वाला और प्री वुम, वुम वाला जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमने काफ़ी एनालिटिकल पार्ट किया था फिर उसके बाद से हमारी पेडागोजी थोड़ा साइकोलॉजी वो सारी स्टार्ट हुई और पार्ट थ्री में सब्जेक्ट पेडागॉजी थी ये अभी ये जो टेंथ क्वेश्चन है पिछले भी पचास क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं और अभी दस यानी कि साठ हो गए डिसिप्लिन थ्री को हमने कंप्लीट कर लिया डिसिप्लिन थ्री कंप्लीटली पेडागोजी के बेस्ड थी इसके ऊपर किसी भी तरीके से साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हर क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा था कि इस सब्जेक्ट में ये क्या होगा वो क्या होगा ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा राइट तो इससे आपको ये चीज रियलाइज हो रही है एनालिसिस अनले, भी हमने सैटरडे को किया था कि पार्ट वाइज अलग अलग थीम को वो कवर करते हैं एक ही चीज़ के ऊपर स्ट्रेट आपके पास पेपर नहीं है अलग अलग थीम्स को ये लोग क्या कर रहे हैं साथ में जोड़ रहे हैं तो ये हमारी थीम कंप्लीट हुई चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पर अब ये यहां से जो है आपका डिसिप्लिन फोर चालू हो जाएगा ठीक है और हम समझते हैं कि डिसिप्लिन फोर में किस तरह का थीम हमसे पूछा जा रहा है यस ओके जानवी चलिए अब नीचे किसी ने कुछ दूसरा नाम दिया है तो जानवी और ऊपर एक कमेंट किया है तो जब हम स्टेटिस्टिक्स करते हैं तो कुछ आ, क्या है स्टैंडर्ड नेम्स ने एक बार आप जो जो मैंने बोला वाला जो वाला मैथमेटिक्स है उसको एक बार देखना आपको उसका जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर देखिए से डिसिप्लिन फोर है हम इसके अंदर आ रही चीजों को भी एनालाइज करेंगे क्या आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एक्टिविटी इसमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन गतिविधि को आयोजन करने का एक चरण है एक स्टेज है यानी कि ये भी टीचिंग मेथड्स के बारे में ही आ रहा है अभी डिसिप्लिन फॉर टीचिंग मेथड से ही संबंधित है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस कंडक्टिंग नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस और है कंडक्टिंग द एक्टिविटी इसमें से कौन सी चीज पर्यावरण अध्ययन में किसी एक्टिविटी को आयोजन करने का एक चरण हो सकता है क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करना है एक्टिविटी कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग तो हमें करना ही है क्योंकि हम सी की बात करते हैं तो चाहे वो फॉर्मेटिव हो चाहे वो समेटिव हो करना तो है ही तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिना प्लानिंग के कोई एक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती तीसरा लिखा हुआ है नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस इसके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं हमारे तो बैच का ही नाम रिफ्लेक्ट बैच है यानी कि रिफ्लेक्ट करना है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं उससे हमको क्या सीखने को मिला क्या कुछ नया उसके अंदर है ये सारा काम तो हम करते ही करते हैं तो सिर्फ रिफ्लेक्शन के बिना तो पढ़ाई अधूरी है और यहाँ पे वो कह रहा है रिफ्लेक्ट करो ये मत तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा एक्टिविटी को कंडक्ट करना ये yes, ये तीनों चीजें होंगी तो वन टू फोर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर This question. Easy question है और डिसिप्लिन फोर भी uh, अब फिलहाल अभी पेडोगोजी से ही संबंधित है तिरसठ प्रतिशत साथियों ने उसका जवाब दिया है बत्तीस प्रतिशत अभी भी आई थिंक ऑल ऑफ द अब के चक्कर में पड़े हुए हैं uh, जन्वी कह रही है नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बी क्यों नहीं हो सकता सर प्लीज एक्सप्लेन ओके अभी करते हैं उसको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए क्वेश्चन नंबर जब सेशन खत्म हो जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन के बाद जो आपके डाउट वाला पार्ट है क्योंकि चला गया है क्वेश्चन तो ट्वेंटी फिफ्थ के बाद हम लोग उस वाले टॉपिक को करेंगे डोंट वरी चलो चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए हु अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड स्कूल गार्डन्स निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया चार ऑप्शन है आपके पास ओंटेसरी डीवी रूसो बताइए चलिए इसके अंदर जो डीवी और रूसो है ये तीनों के तीनों नेचुरलिस्ट हैं नेचुरलिस्ट भी नेचुरलिस्ट भी एकदम नहीं कहेंगे लेकिन इन तीनों की थियरी में जो प्रकृतिवाद है उसके कुछ गुण देखने को मिलते हैं हाँ इसके अंदर जो डीवी है वो प्रेगमेटिस्ट हैं प्रेगमेटिस्ट परकार्यवादी है इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है प्रकारवादी हैं जो कि एक्सपीरियंस से चीजों को सीखने के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्कूल उद्यान है स्कूल उद्यान का मतलब क्या है स्कूल पार्क स्कूल पार्क का मतलब ये नहीं है कि वहां पर नेचर है स्कूल पार्क का मतलब यह है कि ये एक एक्टिविटी का क्षेत्र है जो कि मोन्टेसरी से संबंधित है मोन्टेसरी जो है वो जानी जाती है प्लेवे मेथड के लिए और किंडर गार्डन के लिए तो ये तीनों ही लोग मिलजुल करके इस चीज के ऊपर जोर देते हैं किसके ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस या एक्टिविटी के ऊपर जोर देते हैं कि क्रियाकलाप होना चाहिए या किसी तरह के काम करके किसी चीज को हम सीखते हैं ये तीनों के तीनों जो व्यक्ति हैं ये दर्शन शास्त्री हैं साथ साथ मनोविज्ञान में भी इन्होंने इनका इन्होंने अपना हाथ आजमाया हुआ है तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीनों के तीनों लोग जो हैं वो बिल्कुल सही हैं जिन्होंने स्कूल उद्यान या फिर जो स्कूल गार्डन्स हैं इसके बारे में बात करी है इसको पॉमोगुलेट किया है और इसको प्रमोट किया है मतलब इनकी थेरीज जो है प्रमोशन करती है यानी कि ये ही सीधा स्कूल थेरी बनाई क्योंकि साइकोलॉजी को लेकर के मैंने आपसे बात करी हुई है कि साइकोलॉजी कॉमन होती है साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि प्राइमरी को लेकर के इन्होंने सिद्धांत बनाए हुए हैं इन्होंने कॉमन सिद्धांत बनाए हुए हैं जिसको देख करके कि हम अपना काम करते हैं क्वेश्चन है? ऑब्वियसली बात है पहला है खसरा फैल सकता है कफ फैल सकता है बैक्टीरिया के थ्रू मम्स भी फैल सकता है हार्ट अटैक एक फैलने वाली प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ इसके साथ हमने जेनेटिक्स इशू जेनेटिक्स भी इसके साथ पढ़ा हुआ है हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट के अंदर हमने ये टॉपिक किया हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थ्रू जीन्स ट्रैवल करती हैं जिसके अंदर कुछ बीमारियां भी ट्रैवल हो जाती हैं जिसमें से जैसे डायबिटीज़ हो गई या हार्ट अटैक हो गया इस तरह की समस्याएं ट्रैवल होती हैं इसलिए जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उससे एक केस हिस्ट्री ली जाती है क्या कि उसके परिवार में कभी किसी को हार्ट अटैक आया अगर आया है तो उससे रिलेटेड जो आ, मतलब जो इलाज होता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और प्रीवियस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ये क्या है कम्युनिकेबल नहीं है ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन ये कम्युनिकेबल नहीं है कम्युनिकेबल का मतलब कि छूने से फैल जाए इस तरह की ये प्रॉब्लम नहीं है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉल अब आपकी स्क्रीन पर आएगा विद रिस्पेक्ट टू द सिटिंग अरेंजमेंट इन द स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कुड बी कैप्ट इन माइंड पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो फिजिकल एजुकेशन से था ध्यान रखिएगा विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है एनआईए से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट तो मैंने आपको दिखाया भी है प्रश्न है आपके लिए चाइल्ड विद स्पेशल नीड शुड बी सीटेड इन नियर द डोर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दरवाजे के पास बिठाना चाहिए दूसरा है वाइल्ड राइटिंग वर्क चिल्ड्रन शुड हैव क्लियर व्यू ऑफ the बोर्ड काम लिखते समय बच्चों को बोर्ड के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए हिंदी में थोड़ा अटपटा सा है इसका शुद्ध हिंदी मतलब होगा कि जो हम काम करते हैं वो बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहना चाहिए तीसरा है वाइल्ड परफॉर्मिंग आर्ट चिल्ड्रन शुड बी गिवन इनफ स्पेस कला प्रदर्शन करते समय बच्चों को पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा देखिए अब यहां पर दरवाजा के दरवाजे के पास बिठाने का तो कोई खास तुक बैठता नहीं लेकिन कोई खास नुकसान भी नहीं है लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है नियर द डोर तो इसके पीछे ये रीजन है कि जब का टाइम आए, तो सबसे पहले हम स्पेशल नीड के बच्चे को निकाले अब दरवाजा दरवाजा जो है आमतौर पर जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एक आगे दरवाजा होता है एक पीछे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को कौन से दरवाजे के पास बिठाया है आगे या पीछे इस हिसाब से ये जो है, ये जो पॉइंट पॉइंट है है कंफ्यूजिंग इस बिंदु को लेकर के हम इतना सरोकार नहीं रख सकते क्योंकि अगर आगे बिठाए तो बात ठीक है क्योंकि हम स्पेशल नीड के बच्चों को क्लास में आगे बिठाने पर ज्यादा जोर देते हैं लेकिन दरवाजा तो पीछे भी होता है अगर हम पीछे बिठाएंगे तो यहाँ पे कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा तो ये पॉइंट कंफ्यूजिंग है लेकिन यहाँ पर पेपर बनाने वाले का जैसे मैंने एनालिसिस में आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसके की ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेट डिसीजन तो पेपर बनाने वाले का ही माना जाएगा कि उसने क्या सोच करके पर्सनल बायसनेस वाला एक मुद्दा मैंने उठाया था कि पर्सनल बायसनेस कई सारे क्वेश्चन में है तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी उसी का शिकार है क्योंकि इस वाले ऑप्शन के दो मतलब बनते हैं सामने भी बिठाना है और दरवाजे के पास बिठाना है दरवाजे के पास बिठाने का मुख्य कारण है कि जब कोई आपातकाल हो या फिर क्लासरूम में से जब इवैक्यूएशन बाहर जाने का जब काम आ रहा हो तो स्पेशल नीड के बच्चे को ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े वो आराम से बाहर जा सके और आराम से बाहर से अंदर आ सके ज़्यादा उसको अंदर परेशान ना होना पड़े क्योंकि डेस्क के बीच में से जब जाते हैं तो दिक्कत होती है तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है लेकिन वो आगे होगा या पीछे अगर पीछे है तो दिक्कत है इसलिए दिस पॉइंट इज कंफ्यूजिंग लेकिन पेपर बनाने वाले ने शायद आगे और पीछे का ध्यान नहीं रखा उसने यही सोचा है कि दरवाज़ा तो आगे की तरफ ही होता है तो इस हिसाब से आगे भी बैठ गया और दरवाजे के पास भी बैठ गया इसलिए उसने इसको सही बताया है और एग्जाम की के हिसाब से ये सही है लेकिन अगर आपने चीज़ों को आर एक्ट को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप जो आ, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है अगर उसके प्रिंसिपल्स को आपने पी एक्ट पढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप इसका शायद वन जवाब ना करें लेकिन की के हिसाब से फिलहाल इसका जवाब ए है लेकिन जो डिबेटेबल पॉइंट था आई होप वो वाला भी आप अच्छे से क्लियर कर चुके हैं अगला हु प्लेज द स्कीम ऑफ एजुकेशन इन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1937 ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है एनआईस का उन्नीस वाला एनआईएस के अंदर आ, पान, कोर्स नंबर पांच ब्लॉक वन में इसके बारे में जिक्र है कि 1937 में वर्धा कमीशन में किसने बात करी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले बताइए 1937 में किसने इसके बारे में बात करी थी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी अगला क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ प्लेइंग हेल्प इन कोग्नेटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड खेलने से बच्चे के संगनात्मक विकास में किस प्रकार मदद मिलती है पहला प्ले ऑफर्स ऑपॉर्चुनिटी टू लर्न मैनी थिंग्स खेलने से कई चीजें सीखने का अवसर मिलता है जब हम खेलते हैं तो क्या होता है मल्टी सेंसरी प्लस मोटर अप्रोच लगता है मल्टी सेंसरी यानी कि आप यहाँ पर आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं कान का इस्तेमाल कर रहे हैं टच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग सभी सेंसेस का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है साथ ही साथ आपका मोटर डेवलपमेंट होता है आपका इन्वॉल्वमेंट होता है और जब इतनी सारी चीजें किसी एक काम पर लगी हुई हैं तो ऑब्वियसली बात है उसका रिटेंशन लेवल बढ़ेगा ही तो पहली बात तो बिल्कुल सही है दूसरा प्लेइंग ऑल्सो हेल्प टू डेवलप मेमोरी याद रखने की क्षमता को क्योंकि मल्टी सेंसरी है तो कई सारी तरीकों से एक ही चीज़ जुड़ जाती है यानी कि उसी चीज को आपने सूख के भी देखा आंख से भी कान से भी टच करके भी देखा और उस चीज को आपने मतलब उसी से आपने कुछ काम भी किया तो एक ही चीज के साथ जब इतनी सारी मेमोरी जुड़ती है तो वो ज्यादा मजबूत हो जाती है ठीक है मेमोरी uh, के अंदर और एबिलिटी टू एनालाइज एनालाइज़ करने में रीज़न करने में और थिंक सोचने में अल्टरनेटिव सोचने में आपकी मदद करती है क्यों क्योंकि आपके साथ जुड़े आप उसके साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि पहाड़ के बारे में पढ़ना और पहाड़ पर जाना ऑब्वियस ओबियसली बात है जो पहाड़ पर जाएगा वो बिना कुछ बताए भी बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएगा और जिसको पहाड़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाएगा उसको बहुत सारी बातें बताने के बावजूद उसको बहुत कम समझ में आएगा राइट सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट सो बोथ वन एंड टू इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच आर द फोइंग आर्टिकल अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द चिल्ड्रन इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो की आ, जो डीपीएसपी है संविधान के अंदर बच्चों से संबंधित नहीं है आर्टिकल बयालीस अड़तालीस इकतालीस और सैंतालीस अब ये तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 48 एट जो 48वां अनुच्छेद है ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है कि स्टेट किस प्रकार एग्रीकल्चर को देखेगा बाकी आर्टिकल बयालीस के बारे में तो उतना ठीक से मुझे याद नहीं है लेकिन इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है जो सामान्य तौर पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री पार्ट फोर ए कर लेते हैं लेकिन डीपीएसपी को बहुत कम देखते हैं हाँ कई बार स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है आरटी एक्ट के अंदर उसके अंदर हम थोड़ा बहुत देखते हैं लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऐसी चीज को पहचानने के लिए हमको कह रहा है जिसके बारे में कि शायद हम नहीं पढ़ते संविधान को पढ़ते वक्त हम एजुकेशन से तो जरूर पढ़ेंगे लेकिन एजुकेशन से कौन सा संबंधित नहीं है उसके बारे में जानकारी ले पाना काफी मुश्किल है तो ऐसे में ये क्वेश्चन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और कंपैरेटिवली एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी पता है तो करेंगे नहीं पता है तो इस प्रश्न को छोड़ हम सकते हैं

चीजों को प्रभावित कर रही हैं। बच्चे यहाँ पे यंग होते हैं जवान होते हैं तो यहाँ पर रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं लड़का के लड़की के प्रति जो अट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है द मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव इज अ मेजर कंसर्न ऑफ नॉइजी गर्ल्स पतला रहना और आकर्षक दिखना जो है किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता हो जाती है किशोर मेजर कंसर्न नहीं है एट्रैक्टिव मेजर कंसर्न फॉर नॉइजी गर्ल्स नहीं अडोलोसेंट गर्ल्स जो किशोरी लड़कियां होती हैं उनको सुंदर दिखना इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये चीज़ बिल्कुल सही है जिसके पीछे भी सोशल इम्पैक्ट है क्योंकि अच्छे दिखे अच्छा हर कोई दिखना चाहता है सिर्फ लड़की नहीं ये लड़कों के साथ भी जुड़ा हुआ है तो बोथ बोथ आर absolutely करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हर तरीके का जोर आजमाता है पतला दिखना इस समय अधिकतर बच्चे पतले ही होते हैं दुबले पतले ही होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी खाया पिया होता है बहुत तेजी से डाइजेस्ट होता है हाँ कुछ लोग ओबिसिटी के शिकार होते हैं तो उनके साथ समस्या जरूर होती है प्रश्न नंबर उन्नीस विद रेफरेंस टू द कोहलबर्ग थेरी कोहलबर्ग थेरी के अनुसार जो मॉरल रीजनिंग दे रखी है उन्होंने कौन सी बात इसमें से सही है पहला मॉरल रीजनर प्रिजर्व मॉरलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू जस्ट प्रिंसिपल नैतिक तर्कर्ता न्याोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है इस थे वाज फ्री फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ठीक है जो इसके अंदर अगर हम कोहलबर के मॉरल रीजनिंग की बात करें तो हमको पता है तीन लेवल्स में उन्होंने बांटा था और इसके अंदर छह स्टेजेस दे दी थी और इसी के बेसिस पे उन्होंने पूरी मॉरलिटी को कवर किया था तो ये बात तो बिल्कुल सही है लिखा हुआ हिस थियरी वॉज फ्री फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था अब ये तो एक अलग ही एजेंडा हो गया डिस्कशन करने का आ, इसको मेरे को पॉइंट को नोट करना चाहिए क्योंकि इस रिफ्लेक्शन में तो हमने मॉरल डेवलपमेंट को नहीं पढ़ा है की का ये मानना है कि एक uh, क्वेश्चन बनाने वाले का ये मानना है कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त नहीं है मतलब कोहलबर्ग के सिद्धांत में आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा वो कहां मिला किस प्रकार मिला इस संदर्भ में तो हमने मॉरल डेवलपमेंट जो कोहलबर्ग का है हमने उसको नहीं जांचा है लेकिन ये हमारे लिए सीखने का एक नया एवेन्यू है कि हम इस संदर्भ में भी एक चर्चा अलग से रख सकते हैं तो फिलहाल की की मानते हुए हम इसको काट देंगे कि भाई वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री नहीं है पहली चीज को सही मान के ऑप्शन नंबर बी कर देंगे ठीक है अब ये चर्चा का विषय है अब एकदम से मैं बोल नहीं सकता इसके लिए थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा तो एक सेपरेट क्लास के अंदर हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग इन एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर जो सहकारी अधिगम है उसके क्या सिद्धांत है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल सही है, हमने किया हुआ है सेव लेवल सिनर्जी समान स्तर पर संक्रियाएं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी सही है ये भी सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताइए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल जो कॉपरेटिव लर्निंग होती है वहां पर कुछ लोग मिल करके आपस में काम कर रहे होते हैं इन सबका गोल होता है किसी एक काम को करना और ये सारे लोग अपना अपना हिस्सा बांटते हैं अपना अपना काम करते हैं जिससे यह हो जाए अगर यह काम नहीं करेगा तो तब भी गड़बड़ हो जाएगी ये काम नहीं करेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी हर एक को अपना काम करना है यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक क्योंकि एक का काम दूसरे को प्रभावित कराए तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इंटर है और सेम लेवल सिनर्जी का मतलब है सभी एक समान मजबूती के साथ काम करते हैं तो ऑल आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए रिदम डिजाइन टेम्पो एंड एक्सप्रेशन आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ विच फॉर्म आर्ट लय डिजाइन गति और अभिव्यक्ति किस कला के आवश्यक तत्व है म्यूजिक डांस पिक्चर या आर्किटेक्चर बताइए चित्र और आर्किटेक्चर तो हटा दो लय रिदम यानी कि सुर रहना डिजाइन यानी कि उसके अंदर एक कला रहना गति यानी कि स्पीड अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन ये किस चीज में आता है आप बताइए देखो सिर्फ लय की अगर हम बात करें लय और गति की अगर हम बात करें तो संगीत तक हम चले जाते हैं लेकिन डिज़ाइन और एक्सप्रेशंस जो हैं वो नृत्य में आता है एक्सप्रेशन क्योंकि जो संगीत है जो म्यूज़िक है वो एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेशंस वाला नहीं है क्योंकि म्यूज़िक के अंदर सारा का सारा काम किससे होता है लय से होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है लेकिन जो एक्सप्रेशंस की बात है वो हालांकि जो संगीतकार होता है वो भी एक्सप्रेशन देता है ऐसा नहीं है लेकिन जो एक्सप्रेशन का जो सीधा सीधा जो मेल है वो सबसे पहले नृत्य पर जाता है संगीत पर बाद में क्योंकि जब म्यूजिक चल रहा होता है और सामने डांस चल रहा होता है तो म्यूजिक का काम बैकग्राउंड होता है और डांस का मेन होता है तो बीज एब्सोल्यूटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन आर्ट एजुकेशन से ये प्रश्न है प्रश्न नंबर बाईस देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दंटेक्स्ट ऑफ भारत माता पेंटिंग भारत माता पेंटिंग के संदर्भ इस में इसमें से कौन सा कथन सही है आर्ट एजुकेशन का क्वेश्चन है ये इट वॉज पेंटेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था इट वॉज पेंटेड इन 1905 जीरो फाइव इसको उन्नीस सौ पांच में बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया गया था आपको क्या लगता है वॉट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन Yes. Answer this question. Chali. The correct answer for this question is. च आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन वन इज नॉट करेक्ट यहां पर लिखा हुआ रबींद्रनाथ टेगोर ने इसको बनाया जो कि गलत है अरबिंद्ररबिंद्रनाथ टेगोर सॉरी टेगोर नी अरबिंद्र नाथ ने इसको डिजाइन किया था तो वन इज नॉट करेक्ट टू इज करेक्ट ये भी अगेन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसे प्रश्न को छोड़ने में ही ज्यादा फायदा होता है आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है ऑल ऑफ अब जो है ज्यादातर आंसर होता है तो अगर आपको डाउट है या फिर अगर आप दिक्कत में है तो यहां पर ऑल ऑफ द पे तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो इसका वन या टू चूज करना काफी मुश्किल है तो वैसे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर टू यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए द वेनिशिंग अडोलोसेंस इज दर्क ऑफ ये भी तीसरा अभी आज के प्रश्न के अंदर ये तीसरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है लुप्त किशोर जो है है? किसका काम है? Allison Davis, Kurt Levin, Albert Bandura या बताइए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एडगर जेडनबर्ग देखो डेविस का नाम तो नहीं सुना है, लेकिन लेविन और बेंड्यूरा तो हमको पता है लेविन जो है लेविन फील्ड से जुड़े हुए हैं शायद है ना कार्ट कोफका एंड लेविन और एल्बर्ट बेंडूरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी से जुड़े हुए हैं तो इसके ना ये जो दो नाम है डेविस और फ्रीडेनबर्ग ये ऐसे नाम है जो कि शायद हमने नहीं सुने हैं तो ये हमें सीखने का मौका तो दे ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की ओर इशारा कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के ऊपर मैं इतना कैजुअली इसलिए लेता हूँ क्योंकि तो यहाँ पर तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से तैयार रहना जो कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया है कि आपको पूरे पेपर में सात से दस क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे तो उन सबको आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि भाई आप जो अपनी कट ऑफ बनाएंगे टोटल मैंने बी बीस क्वेश्चन लिए थे कि आपको 80 का टारगेट लेकर के चलना है कि भाई 80 नंबर तो आपके पूरे पूरे आ सकते हैं और उन्हीं 80 में से अगर आपको ये आपने ये सोचा है कि आ, 70 लाना है तो आपको इस 80 में से 70 लाना है 100 में से नहीं क्योंकि 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर दिक्कत होगी 10 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे बाकी क्लमजी क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन आगे चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन दी प्रेजेंट सोशल साइंस करिकुलम ऑफ सीबीएसई एट अपर प्राइमरी स्कूल लेवल प्राइमरी का पेपर है अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है तो आप ये भी समझ लो कि सोशल साइंस के अंदर कौन सी चीज जुड़ी हुई है ये सोशल स्टडीज से है हिस्ट्री जोग्राफी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बताइए इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट जुड़े हुए देखो इतनी जानकारी तो आपके पास होगी ही द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस ये हमारे एन आई एस का कोर्स नंबर पांच सौ नौ 509 का ये क्वेश्चन है ब्लॉक या टू है शायद एंड टू के अंदर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी चलिए बढ़ते हैं आगे आज के आखिरी प्रश्न पर आर्ट आर्ट मेनली रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप कौन सा कौन सी कला जो है मुख्य रूप से विविध सामुदायिक समूह के पारंपरिक कला रूपों को दर्शाती है एबस्ट्रैक्ट रीजनल कंसेप्चुअल या कैलीग्राफिक बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ऑप्शन अब आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चन किस चीज़ का है डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप यानी कि अलग अलग समुदायों से संबंधित है जब समुदाय से संबंधित है प्रश्न के अंदर यह नहीं लिखा हुआ कि वो एब्स्ट्रैक्ट होगा कंसेप्ट होगा कैलीग्राफिक आर्ट तो चलो हैंडराइटिंग से संबंधित है तो ये तो कट ही जाएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप्स अलग अलग कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करता हो तो कम्युनिटी कम्युनिटी एक जगह स्थित रहती है और एक जगह स्थित रहती है तो वो किसी किसी रीजन को रिफ्लेक्ट करती है सो रीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर डाउट आया था तो उसको मैं एक बार ले लेता हूं कि बी क्यों नहीं आ सकता है, इस क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा कंस्ट्रक्टिव टूल डायरेक्टिव में नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में कुछ चीज हम क्रिएट करते हैं वी आर क्रिएटिंग समथिंग इन अ सिचुएशन यानी कि मैंने आपसे कहा कि चलो एक बॉक्स बनाओ चलो एक कोई मीनार बनाओ कोई या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाओ ये होता है कंस्ट्रक्टिव लेकिन क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन इज अबाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस जिस चीज़ में आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी चीज़ को बनाना और किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना दोनों में फ़र्क है जब कंस्ट्रक्शन में उस काम को उस चीज़ को आप बनाते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस में वो चीज़ पहले से बनी होती है उसमें आप काम कर रहे होते हैं जैसे आपने बैंक का ए बैंक की आपने फोटो बना दी या फिर बैंक के बारे में आपने बात करी या बैंक के बारे में दस बातें आपने कही लेकिन बैंक में विजिट करना ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है एंड द क्वेश्चन इज अबाउट द सेम थिंग एंड दैट इज वाई ए इज एबसे करेक्ट पी का इसके अंदर इस प्रश्न के हिसाब से कोई सवाल नहीं उठता आई होप जनरली आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया है आज के सेशन यहीं पे समाप्त होता है जितने भी मेरे साथी अभी नए नए जुड़े हैं और जो पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं मेक श्योर sure कि आपने इन सब क्लासेस को अटेंड करने की स्ट्रैटेजी को पहले से देख रखा है उसके लिए आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए वीडियो सेक्शन में आज से सात आठ अराउंड दस दिन पहले एक सेशन मैंने लिया था और इस इस सीरीज को अनाउंस किया था डी टू जो पी आर टी महा तैयारी का कि उस इस, इस क्लास के अंदर कैसे आपको काम करना है फॉर दैट वी हैव अ वीडियो सेपरेट वीडियो फॉर दैट दैट वीडियो इज आर अबाउट थर्टी मिनट्स उस वीडियो को आप देखिए उस वीडियो को देख करके आपको फायदा होगा और आपको समझ में आएगा कि इन क्लासेस का आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे विल सी नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय बाय नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत अगेन हैप्पी टीचर्स डे थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर क्रिएटिंग द नेशन क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड थैंक यू एच आर एच डी के लिए जीएस कैसे प्रिपेयर करें अपना नॉर्मल प्रीवियस सारे क्वेश्चन लेते रहो अपनी करंट अफेयर्स करते रहो ऐसा जीएस के लिए हम परेशान नहीं हो सकते इसके अंदर ओके आप आपके मार्क्स में देख रहा हूँ विनोद मैक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ग्रेट बहुत बढ़िया स्कोर किया है विल सी यू नेक्स्ट क्लास ओके बाय क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टेस्टिक्स पर जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ